On this friendship day. हाँ, up, message मत देना प्लीज <laughs> अरे ये रही में. और इसको कूल लेने के लिए तुम चिंकी को दे देना ठीक है पैटर्न पेपर या कुछ भी पहले चॉकलेट्स तो लो और देखो कि यूनिकॉर्न थीम्ड एनवल बना सकते हैं फटाफट तो मेरे बहुत फेवरेट है लव यूर Hey cuties, से पहले तो आप को फिर से बहुत सारा बट नोएडा सा <laughs> <laughs> यूट्यूब इवेंट पे और मैंने सोचा था कि एक मस्त सा व्लॉग रिकॉर्ड करूंगी जो कि आज पोस्ट करूंगी बट अनफॉर्चुनेटली वहां पे लाइट इतनी डल थी इतनी डिम थी कि व्लॉग रिकॉर्ड नहीं हो पाया आज व्लॉग नहीं आ रहा है तो आज हम कुछ नया सीखेंगे मतलब कुछ डी आई वाई सीखेंगे ये! तो, आप को तो पता ही है कि एवरी ईयर फ्रेंडशिप डे दो दिन होता है तो थर्टी जुलाई को तो शायद फिक्स्ड है जो कि इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे है अच्छा और दूसरा फ्रेंडशिप डे होता है फर्स्ट संडे ऑफ अगस्त तो अभी इस बार पड़ रहा है सिक्स ऑफ अगस्त को जो कि इंडिया में सेलिब्रेट होता है तो मतलब हमारे पास दो फ्रेंडशिप डे है दो दिन है अपने फ्रेंड्स को बहुत ही स्पेशल फील कराने का तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे बहुत सारे डी जो की हम अपने फ्रेंड को गिफ्ट कर सकते हैं ऑन दिस फ्रेंडशिप डे चलो तो डी आई वाई स्टार्ट करने के पहले जल्दी से सब लोग अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम कॉमेंट सेक्शन में बताओ एक तो मेरा क्या दुनिया से अपने फ्रेंड को कुछ मैसेज देते हैं तो मैसेज आप बहुत चीज के थ्रू दे सकते हो आप बॉक्स में रख के दे सकते हो आप बोटल में रख के दे सकते हो आप चार में रख के दे सकते हो मतलब तो यार मैसेज तो आप किसी भी वे में दे सकते हो हाँ व्हाट्सएप मैसेज मत देना प्लीज <laughs> कुछ पर्सनलाइज कुछ कस्टमाइज देना ताकि उन्हें बहुत ज्यादा स्पेशल फील हो लेट्स डू दिस मिनी बॉटल्स कहाँ है यार अरे ये रही चब्बे में तो ये मिनी कोक बॉटल्स तो बहुत ही ईजिली मिल जाती नहीं मिले तो आप कोई भी खाली कंटेनर भी ले सकते हो और इसको एक्स्ट्रा कूल एंड एक्स्ट्रा फंकी बनाने के लिए मैं यहाँ पे शेकर डाली हूँ आप चाहो तो सीक्वेंस डाल सकते हो और ये देखो ये, ये मिनी पर्ल्स भी डाल ली तो फटाफट से मैंने इसका मिक्सर बना दिया अब हमें चाहिए पेपर स्ट्रिप्स और अपनी फीलिंग लिख डालो यार ये छोटू सी बोटल थी इसलिए मैं छोटे मैसेजेस लिख रही हूँ अगर आपको बहुत बड़े लंबे चिट्ठे लिखने हैं तो आप बड़ी बोल लो तो मैं चार बोटल बना रही हूं एक फॉर एट टूगेदर की एक आई लव यू एक माई बेस्ट फ्रेंड और एक यू आर क्यूट और अब इसको रोल करेंगे तो जितना पतला रोल करोगे उतना इजिली ये बोटल में चला जाएगा

बढ़ना ही पड़ेगा ना तो कुछ बढ़िया सा गिफ्ट रैप बनाया जाए तो चलो फिर शुरू करते हैं तो आप कुछ भी ले सकते हो पेस्टल शीट पैटर्न पेपर या कुछ भी बस थोड़ा सा थिक हो तो सबसे पहले ले लो शीट जो कि 30 बाय 21 सेंटीमीटर की होती है और उसको 5 5 सेंटीमीटर और में डिवाइड कर दो और दूसरे साइड से थ्री एंड टू टू सेंटीमीटर में अब सारे टू सेंटीमीटर रेक्टेंगल्स में डाइनल लाइन बना के डायमंड शेप बनाएंगे और ऐसे ही हमें दोनों साइड करना है दोनों साइड करने के बाद इसको नीटली एकदम कट कर लेंगे और फिर इसको फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे क्यों सही बोला ना एकदम करेक्ट छोटी तो जितनी भी लाइन हैटल या वर्टिकल सारे को डेंट मार देंगे मतलब फोल्ड कर देंगे और लास्ट में जो वन सेंटीमीटर वाला है उसमें ग्लू लगा के फाइव सेंटीमीटर वाला नीटली ग्लू कर देंगे तो लो बन गया बॉक्स और जो ओपन एंड है अब उसको टाई करना है जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ रेबन आप चाहो तो कोई भी कॉर्ड कुछ भी यूज कर सकते हो लेस वेस जो भी अवेलेबल हो तो अभी मैंने सिर्फ एक एंड ही बंद किया है दूसरे एंड में पहले चॉकलेट तो बढ़ लो और देखो कितनी सुंदर पैकेजिंग है बट अपनी फ्रेंड को देने के लिए मैंने और भी सुंदर पैकेजिंग बना ली है और अब मुझे ऐसा लग रहा है की आउजी काफी खुश हो जाएगी ये सब अलग अलग फ्लेवर्स चॉकलेट है और मैंने एक या दो खाया था शायद काफी काफी टेस्टी है है यार चलो चलो इतनी चॉकलेट उसके बाद दूसरा एंड भी ट्राई कर देंगे तो लो भाई हमारा चॉकलेट बॉक्स तो रेडी है बट ऐसा नहीं कि आप इसमें सिर्फ चॉकलेट रख सकते हो आप चाहो तो कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट भी रख सकते हो जैसे की अगर आपको कुछ वॉच गिफ्ट करनी है या कुछ भी ऐसा तो आप इस टाइप की पैकेजिंग यूज कर सकते हो वैसे तो ये ऐसे ही काफी कूल लग रहा है बट मैं सोच रही हूँ यहाँ पे एक फ्रेंड का टैग लगा देना चाहिए वो भी नंबर वन फ्रेंड का ताकि एकदम से लगे की हाँ मैं अपने फ्रेंड को ही गिफ्ट कर रही हूँ उसके लिए कस्टमाइज है डना सुपर एक्साइटेड टू सी फ्रेंड Reaction. काफी क्यूट है ना और मुझे पता है ये पैटर्न पेपर की वजह से एक्स्ट्रा क्यूट लग रहा है बट आप लोग अगर प्लेन शीट ले रहे हो पेस्टल शीट ले रहे हो तो आप उसमें कुछ भी डिजाइन बना के भी बना सकते हो यार यार्प यूज कर सकते हो आ, या फिर रोलर्स यूज कर सकते हो और वो टेक्सचर बना सकते हो जैसे हम लोगों ने एक बार पैटर्न पेपर्स बनाए थे घर पे तो आप प्लेन में भी बना सकते हो और फिर कुछ स्टिकर्स लगा सकते हो कैसे भी कर सकते हो बस क्रिएटिव हो जाओ और कुछ भी कर लो तो हमने मिनी मैसेजेस का जुगाड़ कर लिया हमने चॉकलेट्स देने का जुगाड़ कर लिया अब मैं नेक्स्ट सोच रही हूँ कि यार मैसेजेस तो हमने काफी छोटे छोटे लिखे थे छोटी छोटी बोटल में तो कुछ अगर हमें बड़ा देना है उन्हें या कुछ कटआउट्स देना है अपनी फीलिंग शेयर करना है अपनी फोटो शेयर करना है साथ में तो कैसे दे बस एक एनवेल में रख के तो चलो एक क्यूट सा बहुत ही क्यूट सा एनवलअप बना हैं। तो एनवेल्प तो रेगुलर पेस्टर शीट से ही बन जाएगा तो तुम्हें के ध्यान आया कि हम लोग यूनिकॉर्न थीम्ड एनवेल्प बना सकते हैं वापस यहीं पे रख देती है तो फिर से फटाफट से ले लो ए फोर शीट और उसको टेन ट्वेल्व एंड एट सेंटीमीटर में डिवाइड कर देंगे और दूसरे दोनों साइड में वन वन सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर देंगे और उसके बाद नीटली उसको कट कर देंगे जो एट सेंटीमीटर वाला पोर्शन है उसका वन सेंटीमीटर रहने देंगे और जो टेन सेंटीमीटर वाला पोर्शन है उसके एंड को डायग्नली कट कर देंगे बस अब फटाफट से सारे लाइन को फोल्ड कर दो मतलब डेंट मार दो और जो वन सेंटीमीटर वाला है उसमें ग्लू लगा के अच्छे से स्टिक कर देंगे सो बेसिकली पेपर क्राफ्टिंग में कुछ भी बनाओ बॉक्स एनवेलप या कुछ भी तो वन सेंटीमीटर जो एक्स्ट्रा होता है वो ग्लू करने के लिए ही होता है और यूनिकॉर्न को एक्स्ट्रा क्यूट बनाने के लिए चलो बनाते हैं फ्लावर तो ले ले एक छोटा सा स्क्वायर पेपर उसको दो बार फोल्ड करने के बाद एक एक बार फोल्ड फोल्ड करेंगे और जल्दी से से पेटल का शेप करके कट कर लेंगे ऐसे फोल्ड करने से पता है एट पेटल से एक साथ ही बन जाएंगे आ, वेरी ब्रो। अरे यार छोटी और इसी तरह एक छोटा फ्लावर लेंगे और दोनों को आपस में ग्लू कर देंगे मार्केट के से सेंटर में मैंने एक छोटा सा पोल्ड का डॉट भी बना दिया और छोटे छोटे चार फ्लावर्स और बना दिए हैं और अब ग्लिटर शीट से मैं बनाने वाली हूँ यूनिकॉर्न का हॉर्न बस एक लंबा सा ट्राइंगल बनाओ और उसको फिर कर्व कर्व करते हुए कट कर दो। और फ्रंट साइड थोड़ी सी डिटेलिंग दे दो ताकि डिविजन दिखे चलो फटाफट फड़ से सारी चीजें ग्लू करेंगे वन बाय वन सबसे पहले हॉर्न उसके बाद सारे फ्लॉर्स तो लग रहा है अरे छोटी प्रीटी तो बहुत है बट अपन यूनिकॉर्न का कान ही बनाना भूल गए फटाफट से दो शीट से ट्राइंगल कट करेंगे और उसको प्लेस कर देंगे जिस कलर का एनवाल पे मेरे पास वो कलर खत्म हो गया था इसलिए मैं पिंक कलर का बना दिया और लास्ट में मैं बना रही हूँ यूनिकॉर्न की आंखें वो भी सोती हुई दीदी छोटी तुम्हारी इजाबेल बेचारी बहुत सीधी सादी है यूनिकॉर्न को मैंने मस्कारा भी लगा दिया चलो अब में फिल करते हैं कुछ फंकी फंकी चीजें तो भी, और बाद मेरी भी। यार मैंने गलती कर दी मुझे तो जुलाई को है न, तब तक मैं प्रिंट आउट निकलवा के आराम से डाल दूंगी सुपर क्यूट। और मेरे पास करेंटली फोटो का प्रिंट आउट नहीं था इसलिए मैंने एक्स्ट्रा प्रिंट रख दिया है और फ्रेंड सीरीज वाले मोनिका चैंडलर कुछ भी रख सकता है यार मतलब कुछ भी यार है कुछ भी भर के दे दो मेरे फ्रेंड्स पता है कैसे हैं। जब तक उन्हें कोई नहीं जानता तब तक एकदम शर्मीले सूरत आंखों में मस्ती और वो जब लोगों को जान जाते हैं तो तेरी नजर ने चॉकलेट्स का तो ऑलरेडी इंतजाम कर ही लिया है बट मेरे मेरे फ्रेंड्स फ्रेंड्स है है ना जो वो थोड़े ज्यादा बुक कर हैं। को फटाफट बहुत पसंद बट उनको फटाफट वाले पैकेट में तो नहीं दूंगी ना तो कैसे दूं? आओ चलो देखते हैं तो ले लो एक छोटा सा पेपर का पीस 14 बाय 7 सेंटीमीटर को और एक साइड ग्लू करने के बाद दोनों एंड्स को आराम से नीटली स्टिक कर देंगे अब ऊपर वाले एंड को थोड़ा सा प्रेस करेंगे एकदम थोड़ा सा ही करना और उसके बाद ग्लू लगा के उसको भी स्टिक कर देंगे तो ये रहा फटाफट और ये भी मुझे जीजू नहीं दिया है अब मिलता ही कहा तो फिर भी मैं दिल पे पता रखे एक पैकेट सांची को दे देती हूँ यार भाई साहब फटाफट फड़ तो मेरे बहुत फेवरेट है तो चलो जल्दी से कमेंट में बताओ कि किसने किसने अपने बचपन में फटाफट फड़ खाया है। अब दूसरे एंड को भी थोड़ा सा प्रेस करके ग्लू लगाएंगे और उसको स्टिक कर देंगे बस देखती जाओ ऊपर और नीचे दोनों एग्जैक्ट कट करने के बाद अब देखो एकदम टॉफी लग रहा है और सेम ऐसे ही मैंने पिंक कलर का भी बनाया लग रहा फटाफट मैं नहीं खा पाऊंगी पूरा बट जाएगा <laughs> anyway, चलो जल्दी से कमेंट में बताओ कि आपको चारों में से सबसे अच्छा क्या लगा क्या वो ये फटाफट के पैकेट है या फिर क्यूट मिनी बॉटल या फिर चॉकलेट का बड़ा सा डब्बा नहीं, नहीं नहीं या फिर ये यूनिकॉर्न एनवल चलो जल्दी से अपना फेवरेट कॉमेंट सेक्शन में बता दो और आप अपने फ्रेंड के लिए कौन सा बनाने वाले हो वो भी कॉमेंट में बता दो आ जाओ जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में मिलते हैं आप सब मेरे हो. आपको आज की पसंद पसंद आई आई तो शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना और चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल बटन दबाए बिना तो बिल्कुल भी मत चले जाना बिकॉज अपडेट्स मिस थोड़ी नहीं करनी है तो चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाय सी या टू टेक वेरी गुड केयर योरसेल्फ